इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप महिंद्रा की कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं या अपनी पुरानी कार के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके घर की पोर्च की मिनिमम साइज कितनी होनी ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स होममेड। हमारी महिंद्रा कार मॉडल्स की लिस्ट में सबसे पहले आती है लग्जूरियस कॉम्पैक्ट SUV अल्ट्रास, जिसकी चौड़ाई 6 फीट 5 इंच और लंबाई 16 फीट की होती है, जिसके लिए 3 फीट के एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 10 फीट बाय 17 फीट के पोर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है 7 सीटर SUV बोलेरो, जो कि 5 फीट 8 इंच चौड़ी और 13 फीट 2 इंच लंबी है। इसके लिए 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस के साथ 9 फीट बाय 14 फीट 6 इंच के पोर्च एरिया की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं बजट फ्रेंडली कार E2O की तरफ, जो कि 5 फीट 2 इंच चौड़ी और 11 फीट 9 इंच लंबी है, जो कि 3 फीट के एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 9 फीट बाय 13 फीट के पोर्च में पार्क हो जाती है। अब बात करते हैं आइकॉनिक कार KUV100O की, जिसकी चौड़ाई 5 फीट 9 इंच और लंबाई 12 फीट 2 इंच की होती है, जिसके लिए 3 फीट के एंट्रेंस को मिलाकर 9 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 6 इंच वाले पोर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार स्कॉर्पियो, जो कि 6 फीट चौड़ी और 14 फीट 7 इंच लंबी है, जो कि 3 फीट की एंट्रेंस स्पेस के साथ 9 फीट 6 इंच बाय 16 फीट के बड़े साइज वाले पोर्च में पार्क हो जाती है। अब हमारी लिस्ट में है प्रीमियम SUV थार, जो कि 6 फीट 4 इंच चौड़ी और 13 फीट 5 इंच लंबी है और एंट्रेंस स्पेस के साथ 9 फीट 6 इंच बाय 15 फीट के पोर्च एरिया में पार्क हो जाती है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट है XUV500, जिसकी चौड़ाई 6 फीट 3 इंच और लंबाई 15 फीट 1 इंच की होती है, जिसके लिए 3 फीट के एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 9 फीट 6 इंच बाय 16 फीट के पोर्च की ज़रूरत होती है। लास्ट में आती है हाईएस्ट सेलिंग कार XUV300, जो कि 6 फीट चौड़ी और 13 फीट लंबी है, जिसके लिए 3 फीट के एंट्रेंस स्पेस को मिलाकर 9 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 6 इंच साइज के बड़े पोर्च की ज़रूरत होती है। सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा, रेनॉल्ट और होंडा जैसी कंपनीज के सारे मॉडल्स के लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाई है, उसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल इट्स होममेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।